हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, तो नई एनसीईआरटी बुक जो अभी लॉन्च हुई है उसके आधार पर चैप्टर नंबर जो 4 है आपके, उसकी विविध प्रश्नावली आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। बाकी सब कुछ हमने पढ़ा रखा है, आपको लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ये आपको पता होगा। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला काफ़ी शानदार है। क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि ये जो सारणी है ना, थीटा से स्वतंत्र है। यानी कि अगर इसको हम हल करें तो इसका आंसर में कभी थीटा नहीं आएगा। ये हमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिया है, ठीक है, जो सारणी दे रखा है उसको हम क्या करेंगे? सरल करेंगे। सारणी क्या दे रखा है बच्चों? कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो वीडियो को जरूर देखें दोबारा, ठीक है? तो x साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पर है माइनस के साइन थीटा, फिर माइनस के x, फिर है 1, फिर कॉस थीटा 1 और यहाँ x। इस सारणी को हमें क्या करना है? हल करना है। तो हल करते हैं, हम क्या करेंगे? r1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, ठीक है? यहाँ मैं लिख देता हूँ r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, प्रसार करने पर, जैसे एग्जाम में लिखना है ना वैसे ही मैं आपको करा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, ठीक है? तो r1 क्या है हमारे पास? ये r1 होता है ना, यहाँ पर हमारा प्लस का चिन्ह लगेगा, फिर यहाँ माइनस होता है, फिर यहाँ प्लस होता है। तो सबसे पहले यहाँ x आ जाएगा, ठीक है, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस इसकी गुणा इसके साथ। तो माइनस एक्स की गुणा एक्स के साथ करोगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक कम एक, फिर माइनस के क्या आ जाएगा बच्चों? साइन थीटा, ठीक है? पहला रो छुपना है, दूसरा कॉलम छुपेगा अब, ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस इसकी गुणा इसके साथ, माइनस साइन थीटा गुणा एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन थीटा इंटू एक्स, और कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा, ठीक है, पहला रो छुपाएंगे, तीसरा कॉलम छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो माइनस साइन थीटा एक का माइनस के साइन थीटा, और माइनस एक्स, ठीक है, माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस बना देगा उसको, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉस थीटा, ठीक है? अब हल करेंगे, एक्स से अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के एक्स की घात 3 और एक्स एक कम एक्स, अंदर गुणा करो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से एक्स, और फिर गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ से प्लस एक्स कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कटा, यहाँ से एक्स कॉमन है और यहाँ से एक्स कॉमन है, ठीक है? तो वो हम कॉमन निकाल के दिखाएंगे इसमें से। और कुछ देखिए, यहाँ से माइनस के एक्स क्यूब माइनस के एक्स, एक्स कॉमन है, अंदर बचेगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको बताइए कि भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है? मान रखी है वहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स की 3 है, ठीक है? तो ये एक्स कम एक्स प्लस का एक्स माइनस का एक्स कटा, तो यहाँ क्या आ गया? एक्स की घात 3 आंसर। इसमें कहीं थीटा है? नहीं है ना, तो आप लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जो कि थीटा से स्वतंत्र है, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है? यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों? कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, सेकंड वाले में। इसका आपको हल करके मान बताना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर ये हमारा दूसरा है,
तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिया है करके। साणिक जो दे रखी है हमें वो हम लिख देंगे, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, कॉस अल्फा गुणे में है कॉस बीटा, फिर यहाँ है कॉस अल्फा साइन बीटा और माइनस के साइन अल्फा। नई एनसीईआरटी बुक नए पैटर्न पे हम सीजे कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सारणी है। अब इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, चीज़ों को सिंपल बनाओ, ठीक है। आर वन के सापेक्ष हम प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, प्रसार करोगे तो बात बन जाएगी, तो कर देते हैं, है ना, क्योंकि बाकी चीज़ तो हमने सीखी नहीं है, प्रसार कर देते हैं, ठीक है। तो प्रसार करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये वाला प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम छुपेगा इसके गुणा इसके साथ माइनस के गुणा इसके साथ, अंदर क्या आ जाएगा कॉस बीटा कॉस अल्फा, ठीक है। जीरो इंटू समथिंग जीरो, माइनस का क्या है यहाँ पर कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है बच्चों। तो अब की बार पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे इसके गुणा इसके साथ, तो माइनस के साइन बीटा गुणे कॉस अल्फा और ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस और ये माइनस का साइन अल्फा है, तो प्लस माइनस माइनस, पहला रो तीसरा कॉलम इसके गुणा इसके साथ माइनस के गुणा इसके साथ, तो माइनस साइन, तो माइनस साइन साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे, तो अंदर गुणा करो कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। यहाँ गुणा करो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा एंड यहाँ पर है साइन स्क्वायर बीटा, फिर देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर बीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ दिख रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ दिख रहा है और साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। निकालो कॉमन, यहाँ से निकाला मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, अंदर से बचा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर बीटा और इधर से कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है बच्चों। इसके जगह पे वन आ जाएगा, इसके जगह पे भी वन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू वन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू वन, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो और इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा बिना किसी भगदड़ के, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन। एक्चुअली जो विविध प्रश्नावली के प्रश्न होते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, है कि नहीं। सो यहाँ आ जाते हैं, कह रहे हैं अगर ए इनवर्स ये है
और बी आपको ये दे रखा है, तो ए गुणा बी और फिर उसका इन्वर्स निकालो। ठीक है, ये चीज़ हमें भूल रहे हैं। तो तुम अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो तुम्हें पता है भैया ए बी इन्वर्स जो होता है ना वो होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के होता है, प्रॉपर्टी है, इसका उपयोग कर दोगे। क्योंकि ए इन्वर्स हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है, तो बी इन्वर्स निकालता हूँ और फिर बी इन्वर्स को इन्वर्स से गुणा कर दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा जो प्रश्न में हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, है कि नहीं? तो आइडिया लग गया हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो भाई मैं क्या निकालूंगा, बी इन्वर्स निकालूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता हूँ, हमें क्या निकालना है, ए बी इन्वर्स निकालना है। ए बी इन्वर्स निकालना है, ये लिख देंगे हम, लिखेंगे चूंकि जो ए बी इन्वर्स होता है, ए बी का टोटल का जो इन्वर्स होता है वो होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। हमें दिया क्या है, जो एग्ज़ाम में जैसे लिखना है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। हमें पहले क्या दे रखा है, ए इन्वर्स दे रखा है और फिर हमें बी दे रखा है, वी नीड टू फाइंड बी इन्वर्स। ठीक है, सो जो ए इन्वर्स हमें दे रखा है वो पहले लिखते हैं यहाँ पर, और जो बी हमें दे रखा है वो भी हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एग्ज़ाम में जैसे लिखना है ना वैसे लिखवा रहा हूँ। ए इन्वर्स हमें दे रखा है 3, 15, 5, 1, 5, 2। बी हमें दे रखा है 1, 2, 2, 1, 3, 0, 0, 2, 1। ठीक है, तो बी इन्वर्स निकालेंगे। बी इन्वर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी अपॉन मॉड बी, है ना, सिंपल सी चीज़ है ये, फॉर्मूला आप जानते ही हो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी का एडजॉइंट। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट बी के लिए, है ना, माइनर्स को फैक्टर्स निकालना आपने सीखा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर a11, a12, a13। ठीक है, फिर हम निकालेंगे a21, a22, a23। फिर हम निकालेंगे a31, a32, a33। ठीक है, आपको पता है जब सम जोड़ने पे सम के लिए धन लगाते हैं और जोड़ने पे अगर विषम है तो माइनस लगाते हैं। यहाँ विषम आएगा 3 तो नेगेटिव लगा दो, पहले ही कैलकुलेशन फास्ट कर लूँ। यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव लिखा नहीं जाता जनरली। सो देखो बच्चों, है ना, सब में सारणी लगेगा। ए वन वन का मतलब क्या हुआ, पहला रो छुपाओ, क्या पहला कॉलम छुपाओ, 3021। ठीक है, 3021, तो 3 × 3, 2 × 0, 0, तो ये आ गया 3। फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओ, 1001। ठीक है, क्या है, 1001, तो 1 × 1, 0 × 0, तो ये आ गया -1। फिर पहला रो छुपाना है, तीसरा कॉलम छुपाना है, 1302। ठीक है, तो 1302, 2 × 2, 3, 0, 0, तो ये आ गया 2। तो इसको हमें क्या करना है बच्चों, पहले कॉलम में रखना है। ठीक है, एडजॉइंट जब निकालोगे। नेक्स्ट, अब आ जाओ 2, 1 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, 2, 2, 2, 1, है ना, 2, 2, 2, 1, 2 × 2, 2, 2, 4, तो यहाँ से बचेगा -2, माइनस पहले ही लगा है तो ये +2। फिर 2, 2 यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1, 2, 0, 1। ठीक है, 1, 2, 0, 1, तो ये आ जाएगा 1 × 1, 2, 0, 0, तो ये आ गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, हाँ बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2, 3, है ना, 2, 3 यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1, 2, 0, 2। ठीक है, 1, 2, 0, 2, 1 × 2, 2 × 0, 0, तो ये आ गया -2। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम,
देखो फिर से एक बार। ठीक है, 1 2 हाँ 3 - k 1 2। क्वेश्चन में यही दे रखा है ना कि थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। कहाँ गया क्वेश्चन पेपर, ये देखो ये चीज़ है। उसके बाद ये भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। माइनस का 2 आ गया, अब 3 1 3 1 3 1 का मतलब तीसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, तीसरा रो पहला कॉलम, क्वेश्चन में जो दिया है उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हो सक अगर मैं पहले किताब की बात करूँ तो पहले किताब में और जो नई NCERT आई है उसमें भी क्वेश्चन मिस्टेक है, तो आंसर शायद सेम आ भी पाए और ना भी आ पाए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वो मैं अभी बता दूंगा कि क्या मिस्टेक है, बट जो दिया हुआ है उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा रो छुपा है, दूसरा पहला कॉलम छुपा है, तो 2 2 3 0 2 2 3 0 2 × 0 0 2 × 3 6 तो यह आ जाएगा -k 6। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आ जाओ, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 2 0 1 2 1 0 दिखी ना है, 1 2 1 0 तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 1 0 0 2 1 2 तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। आखिरी वाला आ जाओ, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 2 1 3 ठीक है, 1 2 1 3 3 1 3 2 1 2 ये आ गया इतना। ठीक है, ये अब क्या होगा, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट है, अतः एडजॉइंट है। एडजॉइंट निकालने के लिए ए थोड़ी ना यार, बी ना, बी के लिए एडजॉइंट बी। सो हमें क्या करना है, मान रख देना है अब बी, ये पहले कॉलम में आ जाएगा 3 - 1 2 और उसके बाद ये दूसरे कॉलम में 2 1 - 2 2 1 - 2 ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में, -k 6 2 1 - k 6 2 1। देखो हमारे कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसी आधार पर हम चीज़ों को सरल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं तो पहले किताबों में ये जो क्वेश्चन है आपको दे रखा है ना, इसमें मिस्टेक था, तो अब भी वही मिस्टेक है। ठीक है, नई किताब में भी, बट क्या कर सकते हैं। अब जो बी दे रखा है हमें उसका क्या निकालना पड़ता है बच्चों, सानिक। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए अब हम क्या निकालेंगे, सारणिक बी निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, सारणिक बी निकालनी है। ठीक है, ये आर वन है, आर वन के सापेक्ष प्रसार कर दो, आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर ये वाला प्लस माइनस प्लस। ठीक है, एक पहला रो पहला कॉलम 3 1 3 0 × 2 0 फिर आ जाएगा 2 पहला रो दूसरा कॉलम 1 0 0 1 1 1 1 0 × 0 पहला रो तीसरा कॉलम 1 × 2 ठीक है 3 × 0 0 तो यहाँ से आ जाएगा 3 यहाँ से आ जाएगा -k 2 यहाँ से आ जाएगा 4 तो क्या मिला हमें 3 और 4 7 7 + 2 घटाएंगे आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ना ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये मिस्टेक NCERT में दे रखा था। ठीक है, बट हम यहाँ पे भी मिस्टेक दे रखा था, बट हम जो दिया है उसी आधार पे हम कर रहे हैं, इसलिए अब हम क्या निकालेंगे, बी इनवर्स जिसका सूत्र होता है एडजॉइंट बी बट्टे सानिक बी, एडजॉइंट बी हमारा क्या है वो यहाँ लिख दो,
सारणिक बी कितना हमारा है 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बी इनवर्स पे निकल गया, ठीक है, और ये ए इनवर्स पे मैं दे रखा था। मेन चीज क्या है बच्चों, मेन चीज है हमें हमारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना मेन जरूरी बात है। अब क्या है बच्चों, हमें क्या निकालना है, ए बी इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स, जो कि होते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो बी इनवर्स हमें क्या मिला है वो रख देते हैं यहाँ पर, ये बी इनवर्स है और ए इनवर्स हमें दिया था 3, 15, 5, 1, 6, 2, 1, 5, 2, ठीक है, ये हमें दे रखा था। तो पहले इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे और फिर जो आएगा उसको 5 से भाग दे देंगे हर एक पद में। जगह कम ले लिया यार, तो गुणा करने का टेक्निक तो पता ही है आपको, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, जगह कम ले लिया ना, 3 × 3 = 9 + 15 × 2 = 15 = 30 और 6 × 5 − 30, ठीक है। ए बी इनवर्स बी इनवर्स इनवर्स के बराबर होता है, वही आंसर निकालना है। ये चीज आ गई, फिर आ जाओगे 3 × 3, अरे यार जगह ही कम हो गई, 3 × 3, फिर आ जाओगे 2 × 6 = 12, फिर 6 × 2 = 12, ठीक है, यहाँ लिख देता है। फिर 3 × 3 = 2 × 10 और 6 × 2 = 12 − के, यहाँ से चिन्ह ये है, ठीक है। फिर पहला रो खत्म, दूसरी बार जो −1 × 3 = 3, 1 × 15 = 15, 2 × 10, फिर 1 × 1 = 6, 2 × 2 = 4, 1 × −1 = 5, 2 × 4, फिर आ जाओ तीसरे वाले में 2 × 3 = 6, 15 × 2 = 30 और 2 × 1 = 5, 2 × 2 = 12 और 1 × 2 = −2 × 10, 1 × 2, ठीक है। अब यहाँ 1/5, अब देखो यहाँ से 9 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 10 × 3 = 13, 13 में से 12 घटाएंगे 1 बचा, ठीक है, 15 × 10 = 25, 25 में से 3 घटाएंगे तो 22, और ये 6 × 4 = 10, 10 में से 1 घटाएंगे = 9, 5 × 4 = 9, 9 में से 1 घटाएंगे = 8, ठीक है, 6 × 5 = 11, 30 में से 11 घटाएंगे तो यह आ जाएगा −19, ठीक है, यह आ जाएगा −8 और −6, 5 से हर एक पद में भाग दे दो तो ये हमें मिल जाएगा 9/5, 3/5, 1/5, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, है कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी, है कि नहीं। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। अब हम हमसे क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा ए है, तो हमें इन चीज़ों को सत्यापित करके दिखाना पड़ेगा कि एडजॉइंट ए का जो इनवर्स होता है वो ए इनवर्स का एडजॉइंट के बराबर होता है, ठीक है। एडजॉइंट ए जो निकालोगे उसका जो इनवर्स होगा, ए इनवर्स का जो एडजॉइंट है होता है उसके बराबर होता है, तो कैलकुलेशन बहुत हो जाती है इस टाइप के प्रश्न में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए इनवर्स का फिर से जब आप इनवर्स निकालोगे तो वो ए के बराबर होता है, तो कैलकुलेशन बहुत है इनमें, करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, तो कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। 14 क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो सारे ही आसान है। मेन चीज़ क्या है बच्चों, किसका, कैलकुलेशन स्पीड का,
ठीक है ना। तो हमें क्या दे रखा है, जो हमें ए दे रखा है ना, मैट्रिक्स दे रखी है, वो दे रखी है 1 2 1 2 3 1 और 1 1 5, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब देखिए सबसे पहले जो चीज़ हमें निकालनी है पहले नंबर वाले में, वो हमें दिखाना है कि भैया जो एडजॉइंट ए का जो इनवर्स होता है ना, वो एडजॉइंट ए इनवर्स के बराबर होता है। ये पहली चीज़ हमें दिखानी है, ठीक है, ये पहला चीज़ हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, बस यही है। तो इस ए का पहले एडजॉइंट निकालते हैं, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले और आपको ए इनवर्स निकालना है जब, तो आपको ए का सारणिक भी निकालना पड़ेगा। तो ए का सारणिक निकाल लो, 1 2 1 2 3 1 1 1 5, है ना। तो आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, प्रसार जब करेंगे, पहला रो छूंगा, पहला क्रम छूंगा, 3 5 15 -1 1, ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो 2 5 10 1 1, ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे 2 1 2 3 3, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब यहाँ से आगे 15 10 में से 1 कटाएंगे, 9 9 2 18, और यहाँ से कितना बचा, -1, तो यहाँ से आ गया 15 में से -19 घटा दो, ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना हमारी, वन क्या दे रखा था, एक सेकेंड क्वेश्चन का है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिल जा रहा है, देखो बच्चों कैलकुलेशन बचा, 3 5 15 1 1 1, फिर यहाँ से 2 है छुपेगा, 2 5 10 1 1, फिर यहाँ 1 है, ठीक है, 9 2 18 -1 बचेगा, 1 1 19 15 में से -4 बचेगा, ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ओके अब आ जाते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ए निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, a11 फिर a12, ये चीज लिख लिया करो ना, कैलकुलेशन के लिए टाइम बचता है, फिर a21 a22 a23 a31 a32 a33। एडजॉइंट वाले में क्या होता है, सम के लिए धन का चिन्ह लगाते हैं और विषम के लिए माइनस, तो यहाँ जोड़ोगे तो सम आएगा, और सम के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, सम के लिए लगाया जाता है प्लस, या विषम है जोड़ने पे तो नेगेटिव, पहले ही लगा लो ताकि वो झंझट जो है वो पहले से ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पे आएंगे a11, पहला रो पहला कॉलम, तीन बचे 15 1 1, तो ये आ गया 14, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, पहला रो दूसरा कॉलम 2 1 1 5, दो दुनी और सॉरी 2 5 10 1 1, तो ये आ जाएगा 9, यानी कि -9। फिर पहला रो तीसरा कॉलम 2 3 1 1, एक दुनी 2 3 1 3, तो यहाँ से आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये कहाँ आएगा बच्चों, पहले कॉलम में आता है ना एडजॉइंट वाले में। फिर आ जाइए a21, दूसरा रो पहला कॉलम 2 1 1 5, 2 1 1 5, है कि नहीं, तो ये आ जाएगा 2 5 10
एक कम एक, तो ये आ गया माइनस के 9। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाइए 2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 1 1 5, ठीक है ना, 1 1 1 5, 1 5 5, 1 कम 1, तो ये आ जाएगा 4। फिर 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 2 1 1, 1 2 1 1, तो ये 1 कम 1, 2 1 कम 2, माइनस के 1, ये सामने माइनस है तो इसको ये बना देगा प्लस, तो ये चीज़ आएगी आपकी दूसरे कॉलम में। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट 3 1, तीसरा रो पहला कॉलम 2 1 3 1, 2 1 3 1, तो 2 1 कम 2, 1 3 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 1। फिर क्या 3 2, तीसरा रो पहला कॉलम, सॉरी तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 1 2 1, ठीक है ना, 1 1 2 1, 1 कम 1, 2 1 कम 2, तो ये माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस को प्लस का 1 बना देगा। फिर आ जाओ 3 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 2 2 3, 1 3 3, 2 2 4, तो ये आ गया माइनस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो ये हमने निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट है। ठीक है, तो एडजॉइंट का मैंने किया, आप अभी मैंने बना के भी दिखा दिया, ये पहले कॉलम में आएगा, ये दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, तो ये आ जाएगा 14 माइनस के 9 माइनस के 1, तो ये है माइनस के 9 4 1, और यहाँ है माइनस के 1 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए निकला है। ठीक है, एडजॉइंट ए निकला है, आपको एडजॉइंट ए निकाला है आपने, उसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, उसका क्या निकालना है आपको, इनवर्स निकालना है। ओके, तो ये एडजॉइंट हो गया। कैलकुलेशन बहुत है यार, है ना, कैलकुलेशन इस वाले पोर्शन में ना बहुत ज़्यादा है। अब इस एडजॉइंट ए का नाम तुम कुछ दे दो बी, ठीक है, इसका क्या निकालना है तुम्हें, इनवर्स निकालना है। इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन में एडजॉइंट बी के लिए, तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, B11, B12, B13। ठीक है, कैलकुलेशन क्वेश्चन में बहुत है। फिर उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा B21, B22, B23। फिर आपको निकालना पड़ेगा B31, B32, B33। विषम के लिए नेगेटिव आता है, आपको बताइए, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं B11 में, यहाँ नेगेटिव, विषम जोड़ने पे विषम आ रहा है तो नेगेटिव लगना है। तो सबसे पहले देखो बच्चा, B1 में आते हैं, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, छुपा दिया, तो क्या दिखा आपको, 4 1 1, 4 1 1, माइनस 1, तो गुणा करो 4 1 कम माइनस के 4, 1 कम 1, तो ये आ गया माइनस के 5। फिर B12 पहला रो दूसरा कॉलम 9 1 माइनस 1 माइनस 1, माइनस के 9 1 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 9 1 कम 9, 1 1 कम 1, माइनस के माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से माइनस कट, ये माइनस इसको प्लस बना देगा। ठीक है, फिर 1 3 पहला रो तीसरा कॉलम माइनस के 9 4 माइनस 1 1, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत है, तो ये 9 1 कम माइनस के 9 4 1 कम 4
माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के पाँच, ठीक है। तो ये आएगा पहले कॉलम में, ठीक है। अब इसका हमें सारणिक भी निकालना है ना, इस बी का क्या निकालना है, सारणिक भी निकालना है, क्योंकि इन्वर्स निकालना है ना उसका। देखो अब बी टू वन, दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम, तो हमें क्या देख रहा है, माइनस के नौ वन और वन माइनस वन, नौ एक कम माइनस के नौ, एक एक कम एक प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस के आठ, ये प्लस का आठ बना देगा। टू टू, दूसरा रो दूसरा कॉलम, चौदह माइनस का एक, ठीक है, चौदह माइनस का एक, माइनस एक माइनस एक, तो चौदह एक कम चौदह माइनस का एक, एक कम एक, तो ये आ गया चौदह माइनस का एक, माइनस के पंद्रह, ठीक है। फिर आ जाऊँ टू थ्री, दूसरा रो तीसरा कॉलम, चौदह माइनस के नौ माइनस वन वन, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा चौदह माइनस के नौ माइनस वन वन, चौदह एक कम चौदह, नौ एक कम नौ, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो चौदह में से नौ घटाएंगे कितना बचेगा, पाँच, माया और ये माइनस, ठीक है। कैलकुलेशन अगर ध्यान रखना है, अगर मुझसे भी अगर बाय द वे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना, तो वो तो आप कैलकुलेशन सुधार सकते हो। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन का तरीका सीखो, मेथड सीखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कैलकुलेशन जोड़ घटाना गुणा भाग तो वो आपको भी आता है, वो मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। थ्री वन, थ्री वन मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, तो माइनस के नाइन माइनस के वन फोर वन, माइनस के नाइन माइनस के वन फोर वन, नौ एक कम नौ, चार एक कम चार, माइनस का तो हो जाए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से माइनस के फाइव बचा। तीसरा रो दूसरा कॉलम, चौदह माइनस के एक, चौदह माइनस के एक, माइनस का नौ वन, ठीक है, ये बचा। चौदह एक कम चौदह माइनस नौ एक कम नौ, तो चौदह में से नौ घटाएंगे तो पाँच। तीसरा रो तीसरा कॉलम, चौदह नौ ठीक है, तो चौदह चौके छप्पन एंड नौ नम इक्यासी, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ध्यान से कैलकुलेशन करना। देखो ग्यारह में से छः घटाओगे तो पाँच आएगा, और सात में से पाँच घटाओगे तो दो आएगा, ठीक है, माइनस के, तो ये हमें मिल जाएगा तीसरे कॉलम में, ठीक है। इसीलिए एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी, ठीक है, ये आ जाएगा पहले कॉलम में, ठीक है, पहले कॉलम में आएगा माइनस के फाइव एट माइनस के फाइव, ओके बच्चों। फिर ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में, आठ माइनस के पंद्रह माइनस के पाँच, और फिर ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में, माइनस के पाँच पाँच माइनस के पच्चीस, ये एडजॉइंट बी निकला, ठीक है। हम इसका हमें इन्वर्स निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है बच्चों, एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है, और इसको हमने बोला है बी, यानी कि हमें बी इन्वर्स निकालना है, जिसका मतलब होता है एडजॉइंट बी अपॉन मॉड बी, होता है कि नहीं होता है, यही मतलब होता है ना बच्चों। तो ये चीज़ अगर हमें निकालनी है, तो हमने अभी तक ये नहीं निकाला, तो ये निकालेंगे अभी हम, इसको हमने बी बोला है ना, तो अब इसका हम सारणिक निकालेंगे, ठीक है, निकालते हैं सारणिक। चौदह माइनस का नौ, आई नो बच्चों कैलकुलेशन बहुत है, और इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में कभी आते नहीं हैं, ठीक है। आई एम श्योर ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया होगा, कभी नहीं पूछा जाएगा, ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके नॉलेज के लिए है, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी कर पाए। अब आर वन के सापेक्ष प्रसार कर दो, आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है,
तो ये 14 पहला रो पहला कॉलम छपेगा, 4 एकम 4, 1 एकम 1, माइनस 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 प्लस कर देता है तो पहला रो दूसरा कॉलम माइनस 9 इंटू 1, 9 1 एकम 1, माइनस के 1 इसको प्लस बना देगा। पहला रो ये छुपेगा, ये छुपेगा 9 एकम 9, 4 एकम 4, माइनस का माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ से आ गया 3 14 का 4 42, 10 9 90, और यहाँ से बचेगा माइनस के 5, तो इस प्लस के 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 9 और 4 कितना 13 137। कैलकुलेशन बड़ा यार, इतना लंबा कैलकुलेशन हो गया, क्या बताएं, इतना कैलकुलेशन करते करते ना खुद बोरियत आ जाती है। अब आ जाओ, इसलिए बी इनवर्स, ठीक है ना, तो एडजॉइंट बी बट्टे सारणिक बी। अब क्या हो जाएगा बच्चों, एडजॉइंट बी अभी आपने निकाला था, कहाँ है भाई एडजॉइंट बी, ये है एडजॉइंट बी, माइनस की 5 8 माइनस 5 8 माइनस 15 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस की 25, और इसके अपॉन में कितना है 137, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर पहले पार्ट का मिला, अभी आंसर कह नहीं सकते, ठीक है, अभी तो पहले पार्ट में ही इतना टाइम लग रहा है, और उसका लेफ्ट हैंड साइड अभी हमने निकाला है, अभी हमें राइट हैंड साइड भी निकालना है भाई। ये देखो इसका ए इनवर्स निकालना है और फिर उसके एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, उसके इक्वल लाके दिखाना है आपको, ओके। तो ए इनवर्स भाई मेरे पास, हमारे पास, मेरे पास बोल रहा हूँ, ए क्या था, है ना भाई, कहाँ चला गया, ये है ए, इसके लिए हमने ये निकाल के रखा था। ए क्या होता है, चूँकि जो ए इनवर्स होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, यही होता है ना, तो एडजॉइंट ए तो हमने निकाला था, कहाँ है भैया, ये है हमारा एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या है बच्चों, 14 माइनस के 9 माइनस के 1 माइनस के 9 4 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है, ये है, और इसको हमें भाग देना है सारणिक ए, सारणिक ए हमारा कितना आया था, -4, ठीक है। अब भाई साहब आप खुद देखो कैलकुलेशन कितना ही लंबा जा रहा है, ठीक है, तो अब -14 से सबको भाग दे दो, तो अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, भाग तो देना ही पड़ेगा, तो 7 2 7 14 2 2 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9 अपॉन 4, यह आ जाएगा 1 अपॉन 4, यह आ जाएगा 9 बाई 4, 4 1 जो 4, 1 अपॉन -4, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन -4, 1 अपॉन 4, ठीक है, यह आ जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना है, तो इसका अगर नाम में दे दूँ इनवर्स को, सी दे दूँ, तो आपको क्या निकालना है, C11 C12 C13, ठीक है, जैसे अभी हम लोग काउंट कर रहे थे, फिर निकालना है C21, ठीक है, C22 C23, फिर आपको निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन पेज में कर रहे हैं, इसको अगर डिजिटल बोर्ड पे करते हैं ना तो भाई हो कितना दिक्कत होता है आप समझ ही पा रहे हो, पेज में इतनी दिक्कत हो जा रही पलट पलट के, डिजिटल बोर्ड में इम्पॉसिबल हो जाता हूँ। C31 C32 एंड C33, विषम के लिए नेगेटिव लगता है, लगाते रहो, नेगेटिव लगता है ना, नेगेटिव नेगेटिव। अब फिर से वही चीज, क्या
कैलकुलेशन ही सारा कुछ है। देखो पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, यहाँ से बचेगा माइनस के वन, वन बाई माइनस फोर और अपन माइनस फोर, वन बाई फोर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा वन बाई फोर माइनस, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा सिक्सटीन। अब आप देखो कितना ज़्यादा कैलकुलेशन है, एलसीएम क्या आ जाएगा सिक्सटीन, चार चक्को सोलह, चार एकम चार, तो यह जाएगा फाइव अपॉन सिक्सटीन, ठीक है। उसके बाद और सॉल्व करोगे ऐसे, ये सारे सॉल्व कर दोगे, ठीक है, और सारे वैल्यूज़ फिर रख दोगे, एडजॉइंट इनवर्स निकालोगे, ये पहले रो पहले कॉलम में आ जाएंगे, ये दूसरे कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है, ये तीसरे कॉलम में आ जाएगा जब आप निकालोगे, और फिर जब रखोगे, ठीक है, एडजॉइंट सी जो कि हमारा है एडजॉइंट ए इनवर्स के, तो वो भी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इसके बराबर, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं नई किताब की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन मिस्टेक है, मतलब जो डाटा दे रखा है ना वो उसमें मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जो डाटा हमें दे रखा है ना एंट्रीज उसमें मिस्टेक्स हैं, इसीलिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या पता LHS RHS इक्वल ना भी आए जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं, ठीक है। ये चीज़ मतलब मेन चीज़ है बच्चों समझना, अब इतना लेंथी क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आता है, कभी नहीं आएगा, ठीक है। और अभी हमने क्या निकाला है, देखो अभी हमने क्या निकाला है, ए इनवर्स निकाला है, ये हमने ए इनवर्स निकाला है, इसका जब तुम फिर से इनवर्स निकालोगे, ठीक है ना, इसका जब तुम फिर से इनवर्स निकालोगे, ओके, तो वो फिर से ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, वो फिर से क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। ये क्वेश्चन है दूसरे वाले पार्ट में, ठीक है, ये हमने इनवर्स निकाला है ना, ये देखो ये हमारा इनवर्स है, इसका तुम जब फिर से इनवर्स निकालोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के आ जाएगा। ये पार्ट हमें दूसरे में करना है, ठीक है। तो आई होप आप ये कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे जो, ठीक है, क्योंकि कर लोगे ना बच्चों, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही 30 मिनट से ज़्यादा लग जा रहा है, तो अब मैंने कहा बाकी कर लेते हैं, ये मैंने करा दिया है इनवर्स, बस उसका और एक बार इनवर्स निकालोगे तो वो ए के आ जाएगा, करके देख लेना। और ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ ए में दे रखा है, ये डाटा मिस गलत दे रखा है ना, इस डाटा से ये आंसर्स ला पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, आई थिंक नहीं भी आ रहा होगा, आप देख लेना, ठीक है, बट आ जाएगा, अच्छे से कैलकुलेशन करोगे तो इक्वल आ जाएगा, ओके, करके देखना आ जाएगा, ये ए है तो ये चीज़ हो जाएगी। अब पांचवे क्वेश्चन में क्या है ना, हमें इनको सॉल्व करना है, इसकी इस सारणिक का मान निकालना है, इस सारणिक का मान निकालना है, जो कि बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर सेवन है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और हर साल ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच में, यहाँ है एक्स वाई, फिर है एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, फिर एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स और ये वाई, ठीक है, ये हमारा क्या है, सारणिक है, इसका हमें आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, यही एकमात्र उपाय है, क्योंकि सारणिकों का गुणधर्म हम नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके नए NCERT बुक पे वो है नहीं, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन पुराने वाले में तो हम पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, करते हैं प्रसार, तो ये वाला प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का लेते हैं, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम इसके गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर, माइनस इसके गुणा इसके साथ एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस नेगेटिव, ये वाला पहला रो दूसरा कॉलम छुपता है, वाई के गुणा वाई के साथ वाई स्क्वायर, और एक्स के गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई, साथ ही साथ मैंने माइनस से भी गुणा कर दिया, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये छुपा इसके गुणा इसके साथ,
तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई और इसके गुणा इसके साथ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि होगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के टू एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब देखो इस एक्स से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के एक्स क्यूब, गुणा करो माइनस के वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और माइनस के एक्स क्यूब माइनस के टू एक्स स्क्वायर वाई। वाई से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई माइनस के वाई क्यूब माइनस के टू एक्स वाई। तो देखिए जब आप टर्म काटोगे ना तो यहाँ से एक्स क्यूब और ये माइनस के एक्स क्यूब ये बचेंगे, माइनस का वाई क्यूब और एक वाई क्यूब दिख रहेगा आपको यहाँ से, ये बचेगा। ठीक है, बाकी एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, बाकी सारे टर्म कट जाएंगे तो आपके पास कुल मिला के बचेगा माइनस के टू एक्स क्यूब और माइनस के टू वाई क्यूब, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस टू माइनस्ट है अंदर बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखो बच्चों ये छठा क्वेश्चन, इस सारणिक का भी आपको मान निकालना है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन है, सारणिक हमें दे रखा है, क्या है सारणिक, वन वन वन, यहाँ है एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई फिर एक्स और यहाँ है एक्स प्लस वाई। ठीक है, सारणिक को गुणधर्म आप नहीं लगा सकते नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर, तो यहाँ लिख देंगे आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, प्रसार करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस, तो एक पहला रो छुपा पहला कॉलम छुपा इसके गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एक्स वाई। पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा एक्स प्लस वाई एकम एक्स प्लस वाई माइनस इसकी गुणा इसके साथ इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, वाई एकम वाई फिर यहाँ आ जाएगा वाई, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा इसकी गुणा इसके साथ और इसके गुणा इसके साथ माइनस के एक्स माइनस के वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के टू एक्स वाई माइनस के एक्स वाई, अंदर गुणा करोगे इससे एक अड्डा एक्स गुणा एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ से बचेगा माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो टू एक्स वाई में से एक्स वाई कटाएंगे तो यहाँ से सिर्फ एक्स वाई आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सातवां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, करें निम्नलिखित समीकरणों के निकाय को हल कीजिए, ये जो समीकरण निकाय आपको दे रखे हैं ना एक दो और ये तीन, इन तीनों को हल करना है और ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है सबसे, तो चलिए सरल करते हैं इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सातवां दिया है। ठीक है, जो तीन समीकरण हमें दे रखे हैं वो पहले लिख लेते हैं, ये समीकरण एक, ये दूसरा,
ठीक है, ये तीन समीकरण हमें दे रखे हैं, तो हमें इनके मान निकालने हैं। ओके, सो ये बट्टे में है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के मान निकालने, तो मैं क्या मान लेता हूँ, माना एक बट्टे एक्स को मैंने यू मान लिया, एक बट्टे वाई को मैंने वी मान लिया, और एक बट्टे जेड को मैंने डब्लू मान लिया। एक फिर ये क्या हो जाएगा, इसलिए जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा 2u प्लस 3v प्लस 10w बराबर 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4u माइनस का 6v प्लस के 5w बराबर 1, और ये हो जाएगा 6u प्लस 9v माइनस के 20w बराबर 2। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब अवयव रूप में लिखना है इसको हमें, ठीक है, अतः क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हम लिखेंगे, जो ए होगा सारणिक क्या बनेगा, 2 3 10, 2 3 10, 4 - 6 5, 6 - 9 - 20। एक्स क्या बनेगा हमारे पास, यू वी डब्लू, यू वी डब्लू, और जो हमारे पास 22 है बच्चों वो क्या है, 4 1 2। ठीक है, ये हमारे 22 है, जब हमारा यू वी डब्ल्यू निकलेगा ऑटोमेटिकली एक्स वाई जेड निकल जाएगा यहाँ रखने पर, है कि नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि भैया जो एक्स होता है वो क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है, ठीक है ना, ये चीज़ आप जानते हैं, तो हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स नहीं मालूम, ये ए है ना, इसका पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ए इनवर्स। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी ना, ए इनवर्स निकालना है तो ए वन वन, फिर ए वन टू, ए वन थ्री, फिर ए टू वन, यहाँ पर लिख देंगे एडजॉइंट ए के लिए। ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, फिर आपका आ जाएगा ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। अगर जोड़ने में विषम आता, 3 2 5 विषम, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव लगेगा। आ जाते हैं कैलकुलेशन पे, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, माइनस के 6 5 9 20, तो माइनस के 6 5 9 20, तो ये गुणा करेंगे 120 आ जाएगा, माइनस के 20 है, 6 2 120 26 6 120 है ना, और 9 5 45, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75। फिर दूसरे वाले में आ जाओ, पहला रो दूसरा कॉलम, 4 5 6 - 20, 4 5 6 - 20, तो ये कितना हो गया, 80 - 6 5 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए माइनस के 80, तो ये आ जाएगा -110, तो ये हो जाएगा +110। पहला रो तीसरा कॉलम, 6 - 4 6 9, 4 - 6 6 9, 4 9 36, 6 6 36, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 72। तो ये हमें रखना है पहले कॉलम में, ठीक है। अब आ जाओ 2 1, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, 3 10 9 - 20, 3 10, ठीक है, 9 - 20, माइनस के 60 10 9 90, तो ये हो गया 150 माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 10 6 - 20, तो 2 10 6 - 20, ठीक है, तो ये 6 40 माइनस का और 10 6 60, ठीक है, तो ये माइनस के 100 आ जाएगा। अगले वाले में आ जाओ, दूसरा रो तीसरा कॉलम,
2 3 6 9, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 3 6 9, 2 9 18, 3 6 18, तो 0, ये आपका आएगा दूसरे कॉलम में। फिर थ्री वन तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, 3 10 6 माइनस का 6 5, ठीक है, 3 10 माइनस का 6 5, तो 3 5 15, 6 2 60, तो ये आपको मिल जाएगा कितना माइनस के, देखो 3 10 माइनस 6 5, ठीक है, 3 5 15, 6 2 60, अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 75। छोटी सी गलती हो जाएगी ना आपकी, पूरा क्वेश्चन वहीं बर्बाद हो जाएगा। तो आपको हमेशा फोकस रह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक प्लस का माइनस एक भी जगह गलत होगा ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर आएगा ही नहीं। इसीलिए ये थोड़ा आसान भी है और बड़ा झमेला भी हो जाता है इसमें। 3 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 2 10 4 5, दो पंजे 10, 10 6 40, तो माइनस 30, तो ये हो जाएगा प्लस के 30, ठीक है। तीसरा रो तीसरा कॉलम, 2 3 4 माइनस का 6, ठीक है, हल करेंगे 2 6 12, 4 3 12, माइनस के 24, ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में, ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ए, ये निकालना है हमें एडजॉइंट ए, मान रखो, तो ये आ जाएगा 75, 110, 72, 150, 100, 0, 75, 30, 24, ठीक है। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, एडजॉइंट मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, ठीक है, इसलिए हमें क्या निकालना है, इसलिए हमें निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, ठीक है, तो एडजॉइंट ए हमारा सारणिक, अरे भाई सारणिक भी तो नहीं निकाला हमने, ठीक है ना, तो ये अभी हमें सारणिक निकालना पड़ेगा, इस ए का क्या निकालना पड़ेगा, सारणिक। चलिए सारणिक निकालते हैं, पहले अब सारणिक ये निकालना पड़ेगा, 2 3 10, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस के 20, ठीक है। क्या करेंगे, आर वन के सापेक्ष प्रसार कर दो, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है ना, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, ये 9 5 45, पहला रो दूसरा कॉलम, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके, 6 5 30, पहला रो तीसरा कॉलम, इसके गुणा इसके साथ, 4 9 36 और 6 6 36, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 2 × 75 और 110, 36 36 72, ठीक है, यहाँ से आ गया 150, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 330, और ये आ गया 720, सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1200, जीरो नहीं है, यानी कि ए इनवर्स तो फट से निकल जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पर मान रख देना है ना ए इनवर्स वाले में, इसलिए जो ए इनवर्स है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए था, तो एडजॉइंट ए हमारा क्या आया था बच्चों, एडजॉइंट ए था हमारा 75, 150, 75, 110,
सौ, तीस, 72, 0 माइनस के 24, और बट्टे में सारणिक का मान कितना है 1200। तो ये हमारा ए इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ए इनवर्स निकल गया, अब हमें सॉल्यूशन वाले पे आ जाओ। सॉल्यूशन वाले में चूंकि एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स बी, ठीक है। तो 1200 से भाग देने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको एंड में देना है। ये 75, 110, 72, 150, 100, 0, 75, 30, 24, 22 हमारे क्या थे, 4, 1, 2, ठीक है ना, ये हमारे 22 थे, देखो 4, 1, 2, ठीक है। गुणा करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका ऑर्डर 3 × 3 है, इसका ऑर्डर 3 × 1 है, इसके आखिर में जो है इसके स्टार्टिंग में वो यानी कि गुणा हो जाएगी, और जो नया ऑर्डर आएगा वो होगा 3 × 1। सो गुणा करते हैं, 75 चौके कितना होता है बच्चों, 300, फिर 150, एकम 150, और 75 × 150, पहला रो का हो गया, दूसरे कॉलम दूसरे रो पे आ जाओ, 110 चौके 440, 100 एकम 100, एंड 30 × 60, 72 चौके 288, ठीक है, 0 एकम 0, एंड 24 × 48, ठीक है। हल करते हैं, ये आ गया 100, ये चीज़ ऊपर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 600, नीचे से आ जा रहा है 400, और यहाँ से आ जा रहा है 240, ठीक है। हर एक पद को 1200 से भाग दो, 600 × 1200 यानी कि 1/2, 400 × 4 = 12, 1/3, इसको काटेंगे 240 × 5 = 1200 होता है, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। और x का जो मान है बच्चों, बेसिकली x का मान क्या है, u v w, है ना, और u v w की जगह पे हमने क्या माना था, 1/x, 1/y, 1/z, यानी कि 1/x का मान 1/2 है, तो x का मान आ जाएगा 2। इसी प्रकार 1/y का मान 1/3 है, तो y का मान आ जाएगा 3, ठीक है। और इसी प्रकार 1/z का मान 1/5 है, तो z का मान आ जाएगा 5। तो x का मान 2, y का मान 3, और z का मान आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहे हो निम्नलिखित प्रश्नों में 8 से 9 सही उत्तर का चुनाव कीजिए, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, आपको बताना है। तो ये जो 8वां क्वेश्चन है, इसको मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चन में, ट्रिक आपका बहुत समय बचाएगा, ठीक है। इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, और अगला वाला तो सिंपल ही है। अब ट्रिक कब लगेगा, जब आपके पास जो अवयव दे रखा है, ये जो ट्रिक है वो इसी के लिए ही है। 3 × 3 का ऑर्डर होगा, और देखो सिर्फ डायगोनल में ही जो एलिमेंट्स हैं विकर्ण में, बाकी सारे क्या हैं, 0 0 हैं। तो अगर ये वाला मैट्रिक्स है और आपको ए इनवर्स निकालना है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं वैसे, तो क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, इससे तो आप निकाल ही लोगे, टाइम लगेगा जिसमें, ठीक है। ये चीज़ तो आपको आती है, अभी तक आपने सीखा भी है, पहले भी सीखा, अभी भी क्वेश्चन किया है हमने, ये तो कर ही लेंगे। लेकिन अगर ऐसा सारणिक है, तो उसके लिए जो ए इनवर्स होता है ना बच्चों, वो बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान है। जैसे जो भी एलिमेंट है ना, वो 1 के बट्टे में लिख देना होता है, 1 के बट्टे में मतलब पावर में -1 लग जाएगा, पावर में बस क्या लग जाएगा, माइनस के, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारा जो हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। बाकी तो आप इससे निकाल ही सकते हैं, एडजेंट ए अपॉन सारणिक है,
ठीक है ना। ये सूत्र तो आपको पहले से पता है ही है, लेकिन ट्रिक जो है वो मैंने बता दिया। ट्रिक से सेकंड्स में हो जाएंगे सवाल, बाकी फॉर्मूले से करोगे तो भाई आपका 8-10 मिनट लगने वाला है, 5 मिनट तो कम से कम लगने वाला है। तो देख लेना है, क्योंकि सिर्फ सही आंसर बताना है, सॉल्व करके नहीं दिखाना है एमसीक्यू में। तो ट्रिक ही बेस्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ट्रिक लग सकता तो मैंने लगा दिया, और ऐसे मैट्रिक्स में ही ये ट्रिक लगेगा, हर मैट्रिक्स में नहीं लगेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हमारे आखिरी प्रश्न में। ठीक है, आखिरी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे, ये हमारा सारणिक है और थीटा का मान 2π या उससे छोटा है और 0 या 0 से बड़ा है, तो डिटरमिनेंट ए का मान क्या होगा? इसका ए डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक निकालना है इसका। इस ए का हमें क्या निकालना है? सारणिक निकालना है और फिर आपको आंसर बताना है। चलिए निकालते हैं सारणिक। 1 sin θ 1 माइनस के साइन थीटा 1 sin θ, -1 माइनस के साइन थीटा, और ये 1 है। ठीक है, ये हमारा डिटरमिनेंट है, सारणिक है। अब इसको क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे। ठीक है, प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करो प्रसार। तो जब प्रसार करेंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, इसके गुणा इसके साथ, माइनस इसके गुणा इसके साथ, माइनस माइनस प्लस, 1 + sin²θ हो जाएगा। माइनस फिर ये वाला साइन थीटा, पहला रो छुपेगा, दूसरे कॉलम इसके गुणा इसके साथ, साइन थीटा एक कम साइन थीटा माइनस का, और इसके गुणा इसके साथ, साइन थीटा कम साइन थीटा माइनस माइनस प्लस। तो ये वाला टर्म तो हो गया 0। फिर यहाँ पर है प्लस का 1, ये छुपा ये छुपा, इसके गुणा इसके साथ माइनस माइनस प्लस sin²θ, और इसके गुणा इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 0, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ये हमें क्या मिल गई, 2 बार है ये चीज। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सो देखो गाइस, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, चूंकि क्या दे रखा है प्रश्न में, कि जो थीटा है ना बच्चों, उसका जो मान है 2π या उससे छोटा है या 0 से बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हमें दे रखी है। तो थीटा की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, ये 0, ये π/2, ये π, ये 3π/2, और यहाँ पर आपका 2π फिर से आ जाता है। तो जो केस होता है यहाँ पर, जो किसकी बात कर रहे हैं, साइन थीटा की बात करेंगे, तो यहाँ से इसका मान हमें बताना है, सारणिक का मान क्या क्या होगा वो हम देखना है। तो देखो, यदि यदि थीटा का मान आप 0 लोगे या पाई लोगे, ठीक है, थीटा का मान आप 0 लोगे, पाई लोगे, या फिर से या 2π लोगे, तो आपको साइन थीटा का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इस केस में तो यहाँ से देख लो, अतः सारणिक ए का मान क्या हो सकता है इस स्थिति में, 2, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा इन तीनों कंडीशन में, 0, तो इसका मान आ जाएगा 2। ठीक है, केस 2, यदि आप थीटा का मान π/2 लें, 3π/2 लें, sin π/2 का मान क्या होता है 1, और 3π/2 पे क्या होता है, यहाँ पे हालांकि माइनस क्या आएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, तो उसको वो क्या बना देगा, प्लस बना देगा, है ना। तो sin²θ का मान क्या होगा, 1 आएगा। इधर इस वाले में तो प्लस देगा, इस वाले में देगा माइनस के, लेकिन जैसे स्क्वायर करोगे तो वो माइनस का प्लस का हो तो प्लस ही बना देना है ना, इसलिए सारणिक ए का मान क्या होगा, 2, और इसका मान क्या होगा, 1, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है ना, 2 × 2, तो ये 4 आ गया। तो सारणिक ए का जो मान है वो
दो और चार है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो सारणिक ए है इसका जो मान है दो भी है और चार भी है, ठीक है। दो और चार दोनों है, दोनों है तो क्लोज इंटरवल में लगा सकता हूँ मैं, दो और चार दोनों है तो ये मैं लिख दूंगा। अब देखूंगा मैं ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन कौन सही है भाई, पन्ना कहाँ चला गया, ठीक है। ये देखो ऑप्शन कौन सा सही है, दो और चार दोनों हैं उसके पास। यहाँ पर रिटर्न में ए का मान जीरो होगा, गलत। ये बोला दो और इन्फिनिटी होगा, गलत। देखो इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में कन्फ्यूज आते हैं बच्चे, कई बच्चे हर पार्ट में ये लगा देंगे, ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास दो भी नहीं है और चार भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल लगा है, तो ये गलत हो जाएगा। दो और चार हैं इसके पास, मान आ रहे हैं, तो ये क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब इसके पास दो भी है, चार भी है और इसके अंदर के सारे मान है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के साथ ये चैप्टर भी हमारा नए एनसीईआरटी पैटर्न, नए एनसीईआरटी बुक 2023-24 के आधार पर ख़त्म हो जाती है। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। कल से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। जय हिंद। अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, ठीक है। आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। कमेंट ज़रूर करना है कि अगला वीडियो कौन सा चाहिए आपको। जय हिंद।